for sports. So basically, we are celebrating this day on the occasion of birth anniversary of Major Dhyanchand. And I am just giving the best wishes to all my students to give better performance in their respective. हमारे बहुत ही आदरणीय राव भादर सिंह चेयरमैन, हमारे आदरणीय प्राचार्य दिलीप कुमार जी, हमारी आदरणीय प्राचार्य स्वामी जी, हमारे डायरेक्टर जो खेलों के हैं सुदेश जी, और हमारा पूरा स्टाफ, परमिट स्टाफ, प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा प्रथम खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो चेयरमैन साहब ने आपको मैसेज दिया है कि भी खेलों के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना जरूरी है, इसलिए ये कहा है हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए कहा है हेल्थ इज वेल्थ, खेल भी जरूरी इतने हैं जितने कि हमारी पढ़ाई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही सभी चीज़ों का माध्यम है, तो शरीर को सही रखें। हमारा अगर शरीर तंदुरुस्त है तो हमारा मस्तिष्क तंदुरुस्त है। तो चेयरमैन साहब ने आप लोगों के नाम मैसेज दिया है और उसका समापन के टाइम आपको आशीर्वाद देने पहुंचेंगे जल्दी, वो ऐसा मुझे विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, आज प्रथम खेलकूद प्रतियोगिता का, हमारी दूसरी संस्था का आज उद्घाटन है, तो उसके लिए खेल आरंभ करने के लिए आप, मैं प्राचार्य महोदय से कहूँगा उसको स्टार्ट करो। थैंक यू सर। ये हमारे इस ब्रांच का पहला स्पोर्ट्स महोत्सव है और शिक्षकों के अंदर बड़ा जोर शोर से उल्लास है काफ़ी, मैं ये देख रहा हूँ। और शिवांगी भी चढ़ बढ़ के लेती है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो यह सिर्फ बच्चों की जो मानसिक विकास होता है ना, वह ज़रूरी है खेलों से। खेल से बच्चों का मानसिक विकास होता है और जब हेल्थ हमारा, जैसे सर ने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सर को धन्यवाद करता हूँ कि आपको जो कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताई गई है, बच्चे ध्यान दें उस पर। और हमेशा मैं सभी टीमों से ये कहूँगा, आप जीतने की कोशिश करो, जीतने की कोशिश करो। और यही हम कहते हैं कि हमेशा, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इसमें सुदेश सर हमारे जो डीपी हैं और एक सज्जन सर भी हैं, दोनों ने मिलकर के काफ़ी अच्छी तरह से तैयार किए हैं बच्चों को, और बच्चे अच्छे प्रदर्शन करेंगे। हमारी तरफ से बच्चों को बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएँ, धन्यवाद और थैंक यू। मैं प्राचार्य स्वांगी से प्रार्थना करूँगा कि वो बच्चों के लिए दो शब्द बोलें। Today we have conducted a National Sports Day in our school, Bibipur Jind, Yadvanshi Shiksha Niketan, Bibipur Jind, on 29th August 2023. So, in my perception, the studies as well as the sports are contradictory to each other and should have to be in a parallel position, so that any of the student can give the time for their studies as well as for sports. So basically, we are celebrating this day on the occasion of birth anniversary of Major Dhyanchand, and I am just giving the best wishes to all my students to give better performance in their respective games. Thank you. प्राचार्य महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ और प्राचार्य का विशेष धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने थोड़े समय में, कल इन्होंने सोचा था कि मैं ध्यानचंद जी के लिए कार्य करना है, और उन्होंने कल जुटे हुए कार्य पे, प्राचार्य जी मैडम भी और पूरा स्टाफ, कर्मठ स्टाफ हमारा, और हमारे बहुत ही अनुशासित बच्चे जो है आज इस प्रथम जो खेलकूद प्रतियोगिता है उसको कामयाब करें। तो मैं दोनों का, प्राचार्य का और प्राचार्य का, पुनः धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बच्चों को मैसेज दिया, उस मैसेज पर हम काम करेंगे। सामने स्वदेश डीपी सर हैं और बच्चों को हौसला बढ़ाई, जीत का आशीर्वाद देने पहुँचे श्री दिलीप कुमार प्रिंसिपल सर और डॉक्टर हवा सिंह, और ये पीछे जो मैम देख रही है ये है शिवांगी मैम, वॉइस प्रिंसिपल यदुवंशी स्कूल बीबीपुर जींद। बच्चों को जीत का आशीर्वाद देते हुए
स्टार्ट होने वाला है मैम। नीचे को थोड़ा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरे टीम के हमारे रक्षक दाना, वेरी गुड, वेरी गुड, शायद पॉइंट हो सकता है, शायद, बहुत अच्छे बेटे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोलंकी चल रहा है थोड़ा, हाँ कड़म पैर उड़ा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। तालियों से हो सकता है किसी के साथ ही नंबर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मेरे तीस का हुआ चाल भी थोड़ा, हाँ। और मेहनत अपने भाग्य को आजमाते हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत सारी वीडियो कर दी। तो आ रहे हैं नजदीक, तो लेने पड़ेंगे थोड़े छोटे बच्चों का। गेम परली साइड में चला रखे है, तो परली साइड में इनको भी जजा रहे हैं, और बाकी के जितने बच्चे हो गेम का आनंद ले रहे हैं, सभी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। जिन बच्चों का गेम है सिर्फ वही बच्चे परली साइड में जाएंगे, बाकी के यहीं गेम देखेंगे, गेम का आनंद लेंगे। नर्सरी क्लास से प्लस टू क्लास तक का गेम है, और सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारियां करके आए हैं, और अभी सभी के मैच होंगे, और सभी गेम को अच्छी तरह से इसी प्रकार से खेलेंगे। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, किसी को चोट ना लग जाए, बिल्कुल प्यार से खेलें। और साथ में मंजीत जी, दादा मंजीत जी, खिलाड़ी हमारे अकाउंटेंट में खाना रहे जी, मैच का आनंद लेते हुए देखिए, मैच का आनंद हो दो किया है, सब छुड़वा ले गए, छुड़वा लो, छुड़वा लो, गर्मी है, गर्मी है सर। ये देखिए हमारे यदुवंशी के प्लेयर किसी भी मौसम के मोहताज नहीं है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, किसी मौसम का मोहताज नहीं होना चाहिए। हम 50 डिग्री सेल्सियस पर जीना भी जानते हैं, और माइनस के अंदर भी रहना जानते हैं। माइनस पर भी जीवन व्यतीत कर चुके हैं हमारे जवान, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। मैं पुनः फिर डॉक्टर देसवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। दौड़ के चल रहा चौड़ता है, न्यूना कुया, न्यूना कुया, न्यूना। वेरी गुड, जो जो टीचर जहाँ ड्यूटी निर्धारित की गई है, कृपया निर्धारित स्थान पर ही पहुंचे। देखो मेजर ध्यानचंद को न्यूजीलैंड जाने का मौका दिया, लेकिन उन्हें मौका नंबर ले गया। अभाव की बात कहता हूँ मैं, इतना अभाव था जिंदगी में, लेकिन जैसे तैसे वो फाइनल मैच से था जर्मनी दो है, और उस फ्रेंडली मैच में हम हार गए थे। यस भी हाफ टाइम हो चुका है, हाफ टाइम चलो चलो, अरे कोई नहीं कोई नहीं, नंबर तो बता दो, ये नहीं है सर, बहुत अच्छे, चलो भाई दोबारा आयुष नाम का प्लेयर है, आयुष जो 9th ए से है बच्चा, मैंने तो जाना नहीं चाहिए, रोको बेटे, ये मैंने तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पकड़ के आपको बैठ लिया, क्या बात है। यदुवंशी की टीम किसी बच्चे का मोहताज नहीं है,
चार नंबर हैं, कितने नंबर है? बहुत अच्छे आर्यन बेटा, लास्ट में होगा। बहुत अच्छे देखिए कितना कितना वेट में भी फर्क है, लेकिन बच्चे ने वेट को लास्ट में नंबर लेकर दिया है। ये देखिए सोलंकी है शायद, ऐसे नहीं बताए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।